हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक वीडियो विद पवन। दोस्तों, अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा उसे दबा लें और उसके बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज मैं बिगनर यूट्यूबर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ना तो उसके पास सब्सक्राइबर होते हैं, ना उसके पास व्यूअर होते हैं, तो अपना चैनल कैसे ग्रो करेंगे उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नो गेम नो फेम ओनली एम। दोस्तों, मैं आज नए यूट्यूबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नए यूट्यूबर अपना चैनल कैसे ग्रो करें, ना तो उसके पास सब्सक्राइबर होते हैं, ना तो उसके पास व्यूअर होते हैं। तो सबसे पहले नए यूट्यूबर क्या करे कि उसका चैनल ग्रो हो, उसके पास भी व्यूज आए, लाइक आए, कमेंट आए। तो नए यूट्यूबर को सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक का चूज करना चाहिए। ट्रेंडिंग टॉपिक देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक ये होता है, मान के चलिए जियो ने कोई ख़ास ऑफर लॉन्च किया, जैसे 399 रुपया का रिचार्ज पे जियो ने 299 कर दिया, तो हो गया ट्रेंडिंग टॉपिक। और उस टॉपिक को व्यूअर बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक पे व्यूज़ आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसी ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक बनाइए, ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक बनाइए, जियो ने ए आया, वोडाफोन ने ए लाया, आइडिया ने ए किया। देखिए, सिम के बारे में, पावर के बारे में बहुत ज़्यादा बताएं, ताकि आजकल तो ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। यदि आप सोचिएगा ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब एप्स उप्स के बारे में, जैसे अर्निंग ऐप के बारे में बताएंगे, तो ये बहुत पुराना हो चुका है। इसको आप 2012 13 14 में बहुत सर्च किए जाते थे, लेकिन आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में सब ज़्यादा सिम से रिलेटेड सर्च किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्यूअर्स ये चाहते हैं कि किस सिम का मतलब पैसा, मतलब रेट कमा है या बढ़ा है, या कि सिम ने ए लाया है, वो सिम ने ओ लाया है, ये सारे चीज़ बताइए। और दूसरी बात आप मान के चलिए, मोबाइल आजकल तो बहुत यूज हो रहे हैं, नए नए मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं, इंडिया में बहुत नए नए मोबाइल लॉन्च हुए, उसके बारे में बताइए। आज बताइए कि ओप्पो का फ़ोन ए लॉन्च हुआ है, नोकिया का फ़ोन ने ए लॉन्च किया है, उस मोबाइल के बारे में हल्का सा बताएं कि इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें इतना रैम है, इसमें उतना रोम है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, हल्का सा उसके बारे में बताएं, ताकि व्यूअर को एट्रेक्टिव लगे। नहीं, उसको लगेगा कि ये बंदा कुछ नया नया चीज़ लाते रहता है। मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, ये फलना मोबाइल लॉन्च हुआ है, ये ओप्पो का ये मोबाइल लॉन्च हुआ है, इस तरह से बनाइएगा तो YouTube का सजेस्टेड में जाने का संभावना ज़्यादा रहती है। अगर इस तरह के आप टॉपिक चूज किए हैं तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा तुरंत, लेकिन धीरे 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 आपका चैनल ग्रो करेगा। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा, सब्सक्राइबर व्यूअर आपके साथ जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, और आप यूट्यूब पे एक सक्सेस यूट्यूबर भी बन सकते हैं, यूट्यूब पे एक अच्छी खासी नाम भी कमा सकते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अपने यूट्यूबर्स को चाहिए ही चाहिए नया टॉपिक या ट्रेंडिंग टॉपिक ही चूज करें। ट्रेंडिंग टॉपिक यदि आप चूज कर लिए, उस पर वीडियो लगातार कंटिन्यू बनाइए। वीडियो देखिए, वीडियो का आप कंटिन्यू बनाइए, ये नहीं कि ट्रेंडिंग टॉपिक आज हो गया, मान के चलिए जियो ने एक खास ऑफर लॉन्च किया और आप वीडियो बना दिए, उसके बाद 10 दिन जाकर आप बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आज जियो ने इस ऑफर के बारे में लाया तो आप कल सोचिए, ऐसा थोड़ी है। आज जियो ने ये ऑफर लाया तो एयरटेल आइडिया भी मार्केट में है, वो भी जियो को टक्कर देने के लिए लगे रहते हैं, तो आप उस पर सर्च कीजिए। आज जियो का वीडियो बनाया तो कल एयरटेल के बारे में सर्च कीजिए, परसों आइडिया के बारे में सर्च कर दिए, चौथा रोज वोडाफोन के बारे में सर्च कीजिए। इससे क्या होगा कि उसकी कंपनी ने जो ऑफर लॉन्च किए हैं उसका जानकारी आपको मिल जाएगा, और आप उसी पर वीडियो बनाते रहिए, कंटिन्यू वीडियो बनाते रहे, ट्रेंडिंग टॉपिक।
और हाँ, और आप ट्रेंडिंग टॉपिक बनाएंगे तो चैनल ग्रो हो जाएगा। और हाँ, लास्ट में जब वीडियो आपकी समाप्त हो रही है तो वहाँ पे आप व्यूअर्स को बोलिए कि मैं अगले दिन इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ या बनाऊँगा, इसके बारे में मैंने सर्च कर रखा है। ऐसे से बोलिए कि व्यूअर आपकी ओर एट्रैक्टिव हो जाए, आकर्षित हो जाए। अगर आप एक बार यूट्यूब पर व्यूअर और सब्सक्राइबर ले आए तो फिर आपका सिक्का यूट्यूब पर चल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए, इस वीडियो का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दें। और कोई भी मतलब जानकारी चाहते हैं तो नीचे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसी तरह यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स।